पार्टी पर बयान दिया था। इसके बाद जेडीयू में ही नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि अशोक चौधरी ने पार्टी और नीतीश कुमार की नीति के विपरीत बयान दिया है और अशोक चौधरी की पार्टी के निर्माण में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू में टिकट के लिए परिवार को प्राथमिकता नहीं मिलती है। नीरज कुमार ने अशोक चौधरी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि कोई उपचुनाव प्रभावित करना चाहेगा तो इसे नहीं होने दिया जाएगा। भूमिहार जाति पर दिए गए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। होने वाला है तो उसको कोई प्रभावित करना चाहेगा अपने बयान के माध्यम से, तो ये जनता दल की कार्यशैली के विपरीत है। और मगध के लोग इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रति उनका भरोसा रहा है। परिस्थिति के अनुसार कोई वोट देता है अथवा नहीं देता है, लेकिन हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटर की चिंता करते हैं। और हमारे यहाँ विजय चौधरी जी हैं, माननीय ललन सिंह जी हैं, ऐसे शख्सियत के नेता हैं जिनका व्यक्तित्व का और कद इतना बड़ा जरूर है कि गांव के खेत खलिहान में जाते हैं तो गर्व के साथ अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। तनाव नहीं बल्कि सद्भाव हमारी पूंजी है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद में भूमिहार जाति को लेकर जो टिप्पणी की थी, इसके बाद सियासी हलके में चर्चा का बाजार गर्म है। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी पर निशाना साध दिया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अशोक चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत में साफ किया कि उन्होंने किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला है, बल्कि कुछ लोग चुनाव में पार्टी विरोधी काम कर रहे थे और इसी को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा है कि वो कभी भूमिहार विरोधी नहीं रहे। अशोक चौधरी से बात की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। दौरान आपने एक जाति विशेष भूमिहार साथ है, गलत बात है। पहले आप सुधार कीजिए, पहले आप सुधार कीजिए, प्रश्न को सुधारिए, ऐसे मत करिए। जाति विशेष, जिस जाति विशेष की बात करूँ, वहाँ मेरी बेटी भी आई हुई है, तो मेरी बेटी को बाहर करेगा क्या घर से? जाति विशेष, जाति विशेष को क्यों बोलेंगे? जीवन भर हम भूमिहार के गोद में रहे हैं। श्री बाबू और महेश बाबू मेरे पिताजी को पढ़ाए हैं ये सब। अब कोई आदमी समझ रहा है कि हमको मतलब अशोक चौधरी को बोलना मतलब पूरे पासी समाज महादलित समाज को बोलना, गलत बात है ना। जिस व्यक्ति विशेष को भी मैंने नहीं कहा है, मैंने उनको कहा है कि जो इस तरह के काम में संलिप्त रहते हैं कि पार्टी के निर्णय के बाद पार्टी में रहते हुए चुनाव के समय दिल्ली कलकत्ता बंबई चले जाइएगा, वैसे लोगों से सावधान रहते। मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं। तो आखिर इस बयान को लेकर इतना कॉन्ट्रोवर्सी क्यों किया? तो अब ऐसा है ना, सब लोग हमसे प्यार ही करते हैं। हम चुनाव बरबीघा में लड़े, हम 250 वोट से हार गए, तो सब भूमिहार हमको वोट कर दिया, 50% खिलाफ वोट किया। तो जो 50% है, जो सबको हमको प्यार करता है, कुछ लोग खिलाफ भी है। जो लोग खिलाफ है वो अपना रोटी सेक रहा है, लोग बयानवीर बने हुए हैं, बयान दे रहे हैं, भाषा हमारी समझ नहीं रहे हैं, मेरा इंटेंशन समझ नहीं रहे हैं। तो एक सवाल है, चूंकि अब आने वाले साल में चुनाव होने वाला है, आपको लगता है कि इस तरह का बयान से कुछ समस्या हो सकती है? नहीं नहीं, काहे की समस्या होगा? अभी जो 200 लोग मेरे खिलाफ है, तो 200 लोग हमारे भ्रमण कर रहे हैं, तो उससे इसको खराब, किसको खराब हो जाएगा और काहे नुकसान हो जाएगा? सर परसेप्शन है, लोग बनाने दीजिए परसेप्शन। कुछ लोग आपके बयान के बाद आप पे पलटवार भी कर रहे हैं, तो अच्छा है ना। कुछ लोग जो पलटवार कर रहे हैं, एक्सपोज तो हो रहे हैं, कम से कम हमको पता चल रहा है। अभी तो पर्दे के पीछे कर रहे थे, कम से कम पर्दे के सामने आ गए, तो मेरे लिए अच्छी बात है ना, महादेव की कृपा है। तो ये कम साथ अशोक चौधरी जिन्होंने जहानाबाद में जो बयान दिया था उसको लेकर खुलकर अपनी बात रखी और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भूमिहार विरोधी नहीं हूं, जो मेरे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अशोक चौधरी के बयान के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी बेहद तेज है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी के भूमिहार समाज पर दिए गए बयान पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि जेडीयू का चाल चरित्र ही ऐसा है, किसी नेता से कुछ कहलवाएंगे और किसी नेता से कुछ बयान दिलाएंगे। तेजस्वी ने जेडीयू पर जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। चौधरी जो बयान उन्होंने कहा है कि भूमिहार समाज ने वोट नहीं दिया, इसलिए वहां पर हारे उनके सांसद। आप एक बात समझ जाइए, जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, ये लोग जातीय उन्माद जो है पैदा कराते हैं, एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है, हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो उल्टा सीधा बोलिएगा।
लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिसको वोट देना वो देता है, लेकिन चर्चा इस पर होनी चाहिए ना, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं ये लोग अशोक चौधरी और ये बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं ये चर्चा करते कि भाई बिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसी दी जाए, पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों या अल्पसंख्यक हों, इन लोगों में बेरोजगारी कितनी है, इस पर ना चर्चा होनी चाहिए। जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने भी अशोक चौधरी का बचाव किया है। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने कहा है कि अशोक चौधरी ने किसी जाति विशेष के खिलाफ बयान नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ चुनाव में हार की वजह बता रहे थे। है कि वो किसी जाति विशेष पर कोई बात बोले हैं, वो सिर्फ वैसे व्यक्तियों पर बोले हैं, वैसे पार्टी के नेताओं के बारे में बोले हैं और जनरल बोले हैं, वो ऐसा थोड़े है किसी को इंगित करके या किसी का नाम लेकर तो नहीं बोले हैं। यार की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो बड़े नेता हैं जगदीश बाबू, हम लोग उनको सम्मान करते हैं और हमको नहीं लगता है कि अशोक चौधरी जी का कोई वक्तव्य उसमें ऐसा है जो उनके विचारों को आघात पहुंचे। अशोक चौधरी के भूमियारों को लेकर दिए बयान पर सियासत गर्म है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अशोक चौधरी पर जंप करके बड़ा हमला बोला। अजीत शर्मा ने कहा कि अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी बरबीघा से चुनाव जीत कर आते थे, वहां उन्हें भूमियारों का वोट मिलता था, लेकिन आज अशोक चौधरी ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्हें सभी जातियों से माफी मांगनी चाहिए। शायद अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री को याद नहीं है, उनके पिताजी आदरणीय महावीर चौधरी जी बरबीघा से जीतते थे, वहां पे गांव है माउर, उसी बरबीघा से आदरणीय श्री कृष्ण सिंह आते थे, वो भूमिहार जाति के थे जो माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले बिहार के बने और सबसे अधिक दिन तक रहे। क्या आप भूल गए कि आपको सारे भूमिहार वोट आपके पिताजी को देता था, आप दलित समुदाय से आते थे, सारे भूमिहार आपको वोट देता रहा और आप इस तरह की बात करते हैं कि अति पिछड़ा का उम्मीदवार था इसलिए भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। आपको शर्म आना चाहिए, आपको बिहार से सभी जातियों से माफी मांगना चाहिए। लखीसराय पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर इशारों में निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा है कि भूमिहार जाति नहीं एक कल्चर है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी रहे हैं और न राष्ट्र के। जाति नहीं है एक कल्चर है और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी है। इस तरह के मानसिकता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रख सकता क्योंकि सबकी एक ही जाति है, वह जाति मानव जाति है। अशोक चौधरी के बयान पर बवाल मचा हुआ पूर्व एमपी अरुण कुमार ने निशाना साधा है। अशोक चौधरी को घोटालेबाज बताया, नीतीश कुमार को और दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं है ये भी बोला है। 100 करोड़ रुपया बैंक का घटके हुए है जिस पर सीबीआई की जांच चल रही है, ये संविधान का शपथ लेकर के मंत्री बने हुए हैं तो जो सरकार में मंत्री बनाए हुए हैं उनको सोचना चाहिए। ये हमारे टैक्स के पैसे को लूटने के लिए बनाए हैं और मुखिया को धमकाने का सरकारी यंत्र द्वारा, यह लोकतंत्र के लिए एक महापाप है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को रखे हैं तो नीतीश कुमार को और दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्री अशोक चौधरी की ओर से भूमिहार पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि जाति विशेष की बात उठाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने अशोक चौधरी को नसीहत भी दी कि किसी की जाति पर सोच समझकर ही बोलना चाहिए। कहें कि नहीं कहें हमको पता नहीं है, लेकिन कोई जाति विशेष की बात उठाना मेरे समझ से गलत है, नहीं होना चाहिए। जेडीयू ने भी फटकार लगाई है उनको, अब जो हो वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक गलत है, जाति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने अशोक चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूमिहार समाज के बिना कोई भी आंदोलन अधूरा है और अशोक चौधरी को अपने बयान के लिए माफी मांगने की भी उन्होंने सलाह दी। अशोक
जी ने बोला है तो उसका हम भी इस बात का हम कभी समर्थन नहीं करेंगे कि कोई जाति विशेष के बारे में कुछ बोल देना ये दूसरे लोग का फितरत रहा है। जैसे आरजेडी के लोगों ने कभी कहा कि साहब बुरा बाल साफ करो, कभी कुछ कहा उन्होंने। इस ढंग से अशोक जी को बिल्कुल अपने आप को लालू का कॉपी कर रहे हैं अगर, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बोल के अच्छा नहीं किया है, और अशोक जी से मैं कहना भी चाहूंगा आपके माध्यम से, अशोक जी आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कल धरना देने जा रहे हैं। इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव मामले में प्रोएक्टिव दिख रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में ये मामला लिस्टेड है। एलजेपी रामविलास की तरफ से आरजेडी पर अफवाह फैलाने के आरोप पर मनोज झा ने कहा है कि एक कहावत है कि बिना वजह धुआं नहीं निकलता है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है। तेजस्वी जी ने प्रोएक्टिव होकर के तय किया तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं, जो शायद 2 दिन के अंदर लिस्ट